पूर्वोत्तर के तीन राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान। दो चरणों में होंगे चुनाव। 3 मार्च को तीनों राज्यों के आएंगे नतीजे। त्रिपुरा में पहले चरण के लिए 18 फरवरी को होगा मतदान। मेघालय और नागालैंड में दूसरे चरण के लिए 27 फरवरी को होगी वोटिंग। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही तीनों राज्यों में आज से आचार संहिता लागू। चुनाव में पूरी तरह से ईवीएम के साथ वीवीपैट का होगा इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पद्मावत को दी बड़ी राहत। कोर्ट ने बैन को किया पूरी तरह से खारिज। अब पूरे देश में रिलीज होगी फिल्म। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज। राजस्थान सरकार ने बुलाई आपात बैठक। अगले कदम पर होगा विचार। कोर्ट के फैसले के बाद विफरी करनी सेना। फिल्म के विरोध में राष्ट्रपति के पास जाने की कही बात। लखनऊ में अलीगंज के एक स्कूल में छात्र पर हमला करने वाली छात्रा गिरफ्तार। स्कूल में छुट्टी करने के लिए दिया वारदात को अंजाम। आज पीड़ित छात्र से मिलने अस्पताल पहुंचे सीएम योगी। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में हालात तनावपूर्ण। पाकिस्तान बुधवार से ही बरसा रहा है गोलियां। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 3 रेंजर ढेर होने की खबर। पाकिस्तान से टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट। 7 कश्मीरी अलगाववादी नेता, एक बिजनेसमैन समेत कुल 10 लोगों को बनाया गया आरोपी। हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन को बनाया मुख्य आरोपी। कांग्रेस का AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर हमला। ओवैसी को बीजेपी की बी टीम का बताया हिस्सा। ढोकला में चीन की नई चाल। ड्रैगन ने बनाए 7 नए हेलीपैड। सैनिकों की भी बढ़ाई संख्या। सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। ढोकला में हलचल को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। मोदी सरकार पर दागे 7 सवाल। पूछा, क्या पीएम मोदी स्वीकारेंगे कि ढोकलाम पर नया खतरा खड़ा हुआ। परमाणु क्षमता से लैस अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण। 6000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक के लक्ष्य को भेदने में है सक्षम। मिसाइल की रेंज में पूरा चीन और पाकिस्तान। उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी का मदरसों पर बयान। कहा, मदरसों को बंद करना कोई हल नहीं, उनका आधुनिकीकरण होना चाहिए। मुरादाबाद में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की मांग, 2 बच्चों के कानून बनाए सरकार। हाथरस के मोहल्ला नगला चौबे में एक गत्ता फैक्ट्री में लगी आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। आग लगने की वजहों का खुलासा नहीं। सेंचुरियन टेस्ट में पांड्या की बेवकूफी पर भड़के कपिल देव। बोले, मेरे साथ ना करें तुलना। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने अपने नाम की एक और उपलब्धि। आईसीसी ने क्रिकेट ऑफ द ईयर वनडे क्रिकेट, आईसीसी वनडे और टेस्ट टीम का बनाया कप्तान। एक ही समय में 4 सम्मान पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने कोहली। हरियाणा की डांसर सपना चौधरी के शो में हंगामा। मुरैना में कार्यक्रम के दौरान सपना की एक झलक पाने के लिए बेकाबू हुई भीड़। भड़की भीड़ ने फेंके पत्थर, पुलिस ने चलाई लाठियां। और तलाक के 3 साल बाद ऋतिक को मिला हमसफर। खबरों के मुताबिक सुजैन खान के साथ एक बार फिर शादी रचा सकते हैं ऋतिक।